जबलपुर में महिलाओं ने अक्षय नवमी के मौके पर पूजा अर्चना कर त्यौहार मनाया और व्रत रखा। गौरतलब है कि अक्षय नवमी पर आंवला की पूजन का विधान है और माना जाता है कि भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने से महिलाओं को सुख और सौभाग्य मिलता है। अक्षय नवमी के मौके पर जबलपुर में महिलाओं ने भगवान विष्णु और भोलेनाथ का पूजन किया और उनसे सुख शांति समृद्धि की कामना की। जी बताएं। अक्षय नवमी कार्तिक मास में मनाई जाती है। आज के दिन कहते हैं कि विष्णु भगवान एवं भोलेनाथ का पूजा होती है इस पेड़ के नीचे, और कहा जाता है कि आंवले के नीचे आज के दिन जो भी पूजा अर्चन किया जाता है वो हमेशा अच्छा हो जाता है। इसीलिए आज के दिन लेडीज यहाँ आती हैं, पूजन अर्चन करती हैं तथा इसी के नीचे पेड़ों के नीचे ही बैठ के भोजन किया जाता है, शुभ सौभाग्य की कामना करती हैं। आपका नाम नीतू गुप्ता। कार्तिक का मास चल रहा है जिसमें कि नवमी तिथि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की शुक्ल नवमी अक्षय तिथि है, जिसमें आंवले सुबह स्नान करके सारी लेडीज़ें वृक्ष के नीचे आंवले के पूजन पाठ अर्चन करती हैं, कीर्तन करती हैं, सुहाग लेती हैं और भोजन वगैरह उसके नीचे करती हैं और सभी लेडीज़ों का कीर्तन भजन होता है। और आपका नाम रूबी पटेल। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।